स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको नेवी डबल ए से रिलेटेड फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, और यदि आपने इसके पहले सेटअप ना देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे 156 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सेकंड डोलक की लंबाई होती है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता होगा आपको सभी को। तो 99 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। देखिए, सेकंड डोलक की जो आवर्तकाल तो आपको पता होगा 2 सेकंड होता है, सेकंड डोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। इसकी लंबाई पूछी जाती है तो आपकी 99 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है ये थोड़ा याद रखिएगा, टी बराबर 2π रूट में एल अपॉन में जी होता है, ठीक है। और यहाँ से टी समानुपाती होता है रूट एल के, ठीक है। ये भी कंडीशन है, याद रखिएगा। और यहाँ से 1 अपॉन g भी निकलेगा रूट में, ठीक है। ये सब दोनों याद रखिएगा। चलिए, तो मेन ये था आपका पर्पज, 99 सेंटीमीटर राइट ऑप्शन है और कुछ नहीं था। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया 157 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति स्प्रिंग तुला पर खड़ा है। स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक 60 किलोग्राम है। यदि व्यक्ति प्लेटफॉर्म से नीचे कूद जाता है तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक क्या होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे पहले तो बढ़ जाएगा, फिर ठीक है, फिर वह शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो ए और सी किसमें, हाँ ये ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। चलिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले तो बढ़ जाएगा फिर बाद में शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया, उपग्रह में भारी हीनता का कारण है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट है, उपग्रह के तल का शून्य प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट दिया गया है 159 नंबर क्वेश्चन है दिया गया, देखिए यहाँ लिखा है, पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह का प्लान वेग VVE है और कक्षीय वेग VO V0 दिया है, कितना गुना है, तो कितने गुना होता है उसका, तो ये बताना है। 159 नंबर क्वेश्चन है, √2 गुना होता है, ठीक है। ये सूत्र आपने देखिए, पहले तो √2 गुना हो जाएगा ये आपका, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, हटाइए, यहाँ पे √2 गुना होता है। चलिए, नेक्स्ट दिया गया है, किसी उपग्रह की ऊंचाई घटाने पर आवर्तकाल का मान क्या होगा, ऊंचाई यदि घटाने पर, ठीक है। तो आवर्तकाल का मान पूछा गया है, क्या होगा इस कंडीशन में, तो आपका यहाँ पे घटेगा, ठीक है। जब उपग्रह की ऊंचाई घटा देते हैं तो आवर्तकाल भी आपका घट जाता है, ऊंचाई घटने पर आवर्तकाल भी घट जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, यदि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम हो तब निम्नलिखित में से कौन सा बर्तन हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे आक्रमितीय उत्प्लावन बल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट दिया 162 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाते समय भार हीनता की अनुभूति का कारण है। तो यहाँ पे देखिए जरा, तो यहाँ पे क्या होगा, शून्य गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, ठीक है। जब भार हीनता महसूस होती है तो वहाँ पे शून्य गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट दिया गया है, क्या दिया गया देखिए, 163 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाता है तो भूमध्य रेखा पर पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भूमध्य रेखा की बात है, तो 163 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, सर्त गुरुत्वाकर्षण जी, इसका भी मैं पहले देख लीजिए, m-1 l3 t-2 होता है, m-1 और l3 होता है, t-2 होता है, और इसका मान कितना होता है देखिए जरा। चलिए, तो इसका मान आपको पता होगा 6.67 × 10⁻¹⁻ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इसका ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ज़्यादातर। चलिए, क्योंकि कभी कभार कैपिटल जी की वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल में नहीं दी जाती है, याद रखिएगा 6.67 × 10⁻¹⁻ होती है। नेक्स्ट दिया गया है 165 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़ कर इसकी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या के आधी रह जाए तब गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, तो यहाँ पे 4g हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 166 नंबर क्वेश्चन दिए, गुरुत्वीय द्रव्यमान समानुपाती होता है गुरुत्वीय किसके, गुरुत्वीय क्षेत्र का, गुरुत्वीय बल का, गुरुत्वीय तीव्रता के। चलिए, गुरुत्वीय द्रव्यमान की बात है, किसके समानुपाती होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गुरुत्वीय बल के होता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कैपिटल जी का प्रायोगिक मान बताया है, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैवेंडिश ने बताया था। चलिए, नेक्स्ट 168 नंबर क्वेश्चन दिया, एक तुल्यकालिक का परिक्रमा काल होता है, तो यहाँ देखिए जरा, तो होता कितना, 24 घंटे का होता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैं कह देता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और पेपर्स पहले एक बार देख लीजिएगा। चलिए, भार परिभाषित होता है, चलिए, तो यहाँ पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल द्वारा 159 हो गया। चलिए, 170 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री का भार होगा, तो देखिए
तो यहाँ पे आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसमें बैठा अंतर्जाति का जो भार होता है उस समय वो आपका शून्य होता है, यह ध्यान रख।